एक चीज और है, क्या ये भी है कि सोशल इंजीनियरिंग के जिस फॉर्मूले पर आकलन किया बीजेपी ने इन दो सीटों पर, यहाँ पर उसकी सोशल इंजीनियरिंग फेल हो गई क्या? देखिए इसमें दो चीजें हैं, एक तो अगर प्रत्यक्ष रिजल्ट को देखा जाए और स्ट्रेट फॉरवर्ड जो आंसर है तो जो रिजल्ट बोल रहा है कि हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, यानी प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, रिकॉर्ड्स में सब जगह दर्ज होगा कि भाई बीजेपी हार गई, ये दोनों लोग जीत गए, तो उसके लिए आपके प्रश्न का आंसर है मेरा हाँ। लेकिन अब थोड़ा सा इतर जाके डिफरेंट सिक्के के दूसरे पहलू के आप से जो है आप जो है एनालाइज कर, पाया क्या खोया, तो ये खोया क्या पाया क्या। देखिए आप ये मान सकते हैं कि जो बीजेपी इतनी बड़ी पार्टी है इतने इजी वे में हार जाए, कहीं ना कहीं मेरे दिल में मैं ये भी मानता हूं स्ट्रेटजिक वे में कि बीजेपी ने जानबूझ के इस इलेक्शन को हारने दिया या दूसरों को जीतने दिया। कहने का मतलब ऐसा नहीं बोला कि तुम जीत जाओ, कहने का मतलब अपने इफर्ट्स को उन्होंने डाला नहीं, अच्छे तरीके से वो लड़े नहीं। अब इसके पीछे दो तीन लॉजिक होते हैं, देखिए मैं बताऊं। सबसे पहला लॉजिक ये होता है कि भाई हर बार ईवीएम की बात होती है, अब विपक्षी दलों का मुंह बंद हो जाएगा। दूसरी चीज आप एक देखिए, बड़ा लोकल एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि शेर जब लंबी छलांग लगाना होता है तो दो चार कदम पीछे चलता है। बीजेपी बहुत होशियार पार्टी है सर, मैं आपको स्ट्रेटजिक वे पे बता दूं, और विपक्ष को बहुत खुश नहीं होना चाहिए, उनको ये सब चीजें समझना चाहिए। भाई दो सीटें हारने या जीतने से बीजेपी को सेंटर और यूपी में क्या फर्क बने पड़ेगा, उनकी सरकार तो बनेगी नहीं, उनकी पावर कैपेसिटी में कोई चेंज तो होगा नहीं। तो बीजेपी ने यह बोला ठीक है भाई आप लेके जाओ। तीसरी चीज एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपको बताना चाहूंगा, और ये बड़ा डिफरेंस है, आई एम श्योर कि किसी भी चैनल पे ये डिस्कस नहीं हो रहा होगा, वो ये है कि कॉन्फ्लिक्ट या प्रॉब्लम या चैलेंजेस किसी भी पार्टी में दो लेवल पे होती है। एक होता है एक्सटर्नल, एक्सटर्नल मतलब जब एक पार्टी दूसरे पार्टी के खिलाफ इलेक्शन लड़ती है तो एक्सटर्नल चैलेंजेस में तो सारे पार्टी के लोग एक होते हैं, तो एक यहाँ पे ये देखना पड़ा कि एक्सटर्नल चैलेंजेस में बीजेपी हार गई। एक और चैलेंज होता है सर पार्टी में, विद इन पार्टी होता है जिसको इंटरनल चैलेंजेस बोलते हैं। जितने भी किसी भी पार्टी में जितने भी नेता होते हैं अनडाउटली उनका भी कॉन्फ्लिक्ट होता है आपस में, और वो उस ग्रुप में देखेंगे तो उनका भी ग्रुप डायनामिक्स एक अलग तरीके से काम करता है, और उनके अंदर भी आंतरिक कंपटीशन और प्रतिद्वंदिता होती है कि कौन आगे बढ़ेगा। अब इस पॉइंट पे अगर एनालिसिस करिए तो मैं क्यों बोल रहा हूं कि बीजेपी ने जानबूझ के हारने दिया, आप जरा बैक में जाइए, जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे तो लाल कृष्ण आडवाणी और दो और लीडरों को क्यों इन्होंने मार्गदर्शन मंडल में डाल दिया, इसके पीछे क्या रीजन था? अपने इंटरनल कॉम्पिटिशन को खत्म करना। अभी पीछे ये भी चर्चा चली थी कि भारत का नेक्स्ट प्रधानमंत्री जो होगा वो योगी जी होंगे, जिस हिसाब से योगी जी की जो है प्रतिभा आगे बढ़ रही थी, तो ये इंटरनल कंपटीशन को मैनेज करने के लिए भी ये हो सकता है कि बोला जाए कि भाई आप एक अपनी सीट तो हार गए तो आप पूरे देश के प्राइम मिनिस्टर कैसे बनोगे, या पूरे देश के जो है पूरे देश की जो है बागडोर आप चुनावों में कैसे संभालोगे। मतलब जो घातक आशंकाएं थी बीजेपी को लेकर उसे ध्वस्त कर दिया। हाँ तो नहीं देखिए आशंका थी क्या नहीं थी मैं क्लेम नहीं करता हूँ, मैं तो कंपटीशन के दो कंपटीशन देखिए तीन पैरामीटर पे होता है, एक होता है इंटरनल एक्सटर्नल, और एक आप लेटेंट जो है कंपटीशन या अनसीन कंपटीशन जिसके बारे में इमेजिनेशन भी नहीं होता है। तो मैंने तो केवल जो लेटेंट कंपटीशन होता है और कंपटीशन विद इन पार्टी होता है जो इंटरनल पार्टी होता है उस चीज पे मैंने इस चीज को एनालाइज किया। तीसरी एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, इतनी इंपॉर्टेंट सीटें दोनों जगह उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री हैं, और इतनी आसानी से और इतने बड़े अंतर से हार जाना कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि इन्होंने अपने फुल रिसोर्सेस को फुल फ्लैग वे में यूज नहीं किया, यानी पूरे दिल से पूरे मन से इन लोगों ने नहीं लड़ा। अदरवाइज इतनी आसान जीत होना जो है अपने आप में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। यानी मिश्रा जी आप ये कह रहे हैं कि हार कर भी जीता है बीजेपी ने कुछ, और वो बाजीगरी इसमें आपको दिख रही है। देखिए गुजरात इलेक्शन में मैंने गुजरात इलेक्शन के पहले मेरी एक बाइट थी, उस बाइट का टाइटल है नो मोर क्लीन स्वीप्स बाय बीजेपी। बीजेपी के लिए भी कंपटीशन बढ़ रहा है, और दूसरी चीज एक चीज और देखिए, बीजेपी रणनीतिक रूप में इतनी माहिर पार्टी है ना कि वो बालू से भी तेल निकालती है, यानी हार से भी अपनी हार से भी वो जीत का रास्ता निकालती है फ्यूचर के लिए। और यही है कि मैं विपक्ष की पार्टियों को बार बार बोल रहा हूं कि थोड़ा इस एंगल से भी आप सोचिए। देखिए बीजेपी के लिए ये जीत कैसे, ये जीत की मैं आपको बात बोलता हूं, 2019 में जब सारा इलेक्शन होगा सारे मुद्दे अलग होंगे, ईवीएम के मामले पे इन्होंने लोगों का मुंह बंद कर दिया। मैं ये नहीं बोलता हूं कि ईवीएम वाला मामला सही है या गलत है, मैं उसको इंडोर्स नहीं करता हूं, पॉलिटिक्स में नेता लोग आपस में आरोप लगाए रहते हैं। उसके बाद और आप ये देखिए
कि जब ये लोकल बॉडीज पे जो इनको कॉम्पिटिशन मिल रहा था कि यूपी का कोई लीडर उभर रहा है या नहीं उभर रहा है, उसको भी इन्होंने कर दिया। तो ये बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं। देखिए ये होगा क्या, जब विपक्ष खुश होगा तो एक और साइकोलॉजी होती है, विपक्ष एकदम रिलैक्स हो जाएगा, वो सोचेगा जी हमारी जीत हो गई है, वो काम करना बंद कर देता है, जैसे कछुए और खरगोश वाली। बीजेपी में एक बड़ी अच्छी चीज है, मैं आपको बताऊं, ये रेगुलर काम करते हैं बिना हार और जीत के, रिजल्ट कुछ भी हो। बीजेपी अपना यूपी के लिए 2019 के लिए अभी से नहीं, बहुत पहले से काम कर रही है, ये काम करते रहेंगे। अभी विपक्ष एक महीने तक खुशी जो है मनाएगा, ऐसे करके वो टाइम बीतता जाएगा। और इस इलेक्शन के बाद यह भी नहीं है कि बीजेपी के तर्कस में जो तीर हैं वो खाली हो गए हैं, उसके तर्कस में भी बहुत सारे तीर हैं। हो सकता है कि यही मायावती जिन्हें जो अभी यहां पे समझौता किया है बीजेपी से कर ले। पॉलिटिक्स में नो वन इज परमानेंट या लॉन्ग टर्म फ्रेंड और फो, कोई भी दुश्मन या मित्र नहीं होता। हो सकता है समाजवादी पार्टी के आधे लीडर या बहुत सारे पूरी समाजवादी पार्टी समझौता कर ले, कुछ कहा नहीं जा सकता है। 2019 के डायनामिक्स अलग होंगे, तो इस इलेक्शन से मैं 2019 को नहीं देखता हूं। बिल्कुल, सियासत कहते ही है कि संभावनाओं का खेल है, और ये जो नई दोस्ती हुई है इसमें क्या संभावनाएं हैं ये भी हम समझेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।